ये जो हमारा शिवा प्रोजेक्ट के तहत जो एफएलडी का जो ये क्लस्टर है मजेट का, इसमें मैंने पिछले जो है कुछ महीने पहले भी मैंने विजिट किया था। तो ये हमारा जो एफएलडी का जो ये क्लस्टर है बहुत अच्छा, मतलब इसमें ग्रोथ जो है देख ही रहे हैं आप, प्लांट्स का आया है और अब फल देना भी शुरू हुआ है। अभी इसमें थोड़ी कुछ कमियां हैं पानी को लेकर, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया और पानी की कैपेसिटी कम है। तो इसको हम जो है आने वाले समय में इधर जो है पानी पूरा मिले पूरे क्लस्टर में उसका प्रावधान करेंगे। और ये एक शुरुआत है। अभी शिवा का जो है हमारे को जो मेन प्रोजेक्ट है वो 1300 करोड़ का आया है और वो जो है हिमाचल के 7 जिलों में जो है उसको हमने अब लागू करना है। सर, आपदा के समय में किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है? सर, आपदा का प्लानिंग हो चुका है, लोगों को राहत मिलना शुरू हुआ है। पहली बार जो है ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिया है। और पहली बार जो है जैसे मकान हमारे जो क्षतिग्रस्त हुए हो जाते हैं तुरंत है, उसको जो है 1,30,000 रूपये देने का केंद्र का जो NDRF के नॉर्म्स है वो था, परंतु हिमाचल प्रदेश में जो है इसको बढ़ाकर राशि को 7,00,000 रूपये किया गया है, जो आज तक कभी किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। इसी तरह से जो आंशिक रूप से कोई जो है 15,000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए आंशिक रूप से, उनको केवल 5,000 या 10,000 के आसपास मिलता था, इस राशि को भी बढ़ा के 1,00,000 रूपये किया गया है। तो एक बहुत बड़ी जो है राहत का जो काम जो है हिमाचल में हुआ है। साथ में गौशालाएं, जिसके लिए 5,000 रूपये अगर एक गौशाला का मिलता था उसको बढ़ा के 50,000 रूपये किया गया है। और जिन बागवानों के खेत जैसे जो बह गए हैं उनको भी अगर पूर्ण क्षतिग्रस्त है तो उसको 10,000 रूपये जो है बीघा देने का प्रावधान पहली बार हुआ है। और फसल नुकसान भी जो है प्रति बीघा 3,000 रूपये किया गया है। तो बहुत बड़ी राशि जो है राहत के जो है शुरुआत कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो है कुल्लू से शुरू किया इस नए पैकेज को देने का, उसके बाद बिलासपुर में हुआ, मंडी में हुआ, तो पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है।